एक्चुअली मैंने ना एमबीबीएस में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ देखी ना, वो यहाँ पे ये थी कि इतना टैलेंट है ना, हर हॉस्टल में इतना टैलेंट है कि अगर उसे निकालेंगे तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपके फ्यूचर्स के क्या प्लान है? एक्चुअली फ्यूचर का प्लान ना एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा है। मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ना अभी अभी रिसेंटली हुआ है इनविटेशन, यू कैन अरे ज्वाइन आवर ऑक्सफोर्ड से? डिपार्टमेंट। अरे वाओ, कहाँ, या कैसे, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे हाँ में? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। एक्चुअली उनके एनाटमी डिपार्टमेंट से मेरे को इनविटेशन आया है ऑक्सफोर्ड से कि आप ज्वाइन कर सकते हैं आप एनाटमी डिपार्टमेंट हमारा एज अ कैडेवर। या तो एक्चुअली जोक्स अबाउट व्हेन समथिंग जी कम्स टू लाइक द फ्यूचर थिंग्स, लाइक के मुझसे लोग पूछते हैं कि लाइक फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है, एमबीबीएस के बाद क्या करोगे, ये क्या करोगे, अभी तो इस फील्ड में हो तुम, इतना नाम कमा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है थोड़ी बहुत जो भी अर्निंग कर लेते हो, तो क्या करना चाहते हो तुम, इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हो, कुछ यूट्यूबर ही बनना चाहते हो, या फिर समथिंग लाइक दैट कोई राइटर बनना चाहते हो? तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि हर सांस जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्यूचर में नहीं है, ठीक है, हर सांस ही एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, यू नो एवरी ब्रीथ काउंट्स, और जो ब्रीथ काउंट होती है यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक दैट दिस शुड मतलब पीपल शुड कीप इट इन माइंड कि एवरी ब्रीथ इज एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट लिव एंड वर्क एंडलेसली, डेडिकेटेडली एंड पैशनेटली, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो ये तो आपका मतलब एक चीज़ रहा, और सिंस आप एक हटके पाथ को फॉलो करते हो, और मतलब एकदम हटके, क्योंकि हर आदमी कह रहता है कि एमबीबीएस करना, हमें एमडी करनी है, एमएस करना है, बट कुछ लोग होंगे जो देख रहे होंगे और वो इस ऑर्थोडॉक्स वे को छोड़ के आगे जाना चाहते हैं, तो मतलब उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे, कोई सजेशन? सी एक्चुअली मैंने ना एमबीबीएस में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ देखी ना, वो यहाँ पे ये थी कि इतना टैलेंट है ना हर हॉस्टल में, इतना टैलेंट है कि अगर उसे निकालेंगे तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट बन जाएगा। तो टैलेंट मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स, इतने अच्छे अच्छे मतलब कंपोजर टाइप पर्सन, डायरेक्टर माइंड सेट के राइटर्स, और इतने क्रिएटिव लोग हमारे हॉस्टल में है, और शायद हर हॉस्टल में है, और काफ़ी लोग फॉलो कर भी रहे हैं उस ऑर्थोडॉक्स के वे, मतलब काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं अपने पैशन को। तो लेकिन ये नंबर जो फॉलो कर रहा है अपने पैशन को वो शायद शायद ही 4-5% होगा, आई थिंक बहुत ही लिमिटेड नंबर होगा, 100 में से 5 लोग होंगे जो अपने पैशन को एक्चुअली फॉलो कर पा रहे हैं, शायद वो भी नहीं, ठीक है, जो कर पा रहे हैं दे आर सक्सीडिंग इन देयर वर्क, मैंने ये चीज़ देखी है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को आप पैशन मानते हो, जुनून मानते हो, जोश मानते हो, शिद्दत से चाहते हो ना, वो चीज़ में तो आप निकल ही जाते हो आगे, वो चीज़ में नहीं रुकते आप। क्यों? क्योंकि हर चीज़, हर सांस जब आप एंजॉय करने लगते हो ना अपनी, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आई जस्ट बिलीव दैट एंड आई हैव फॉलोड द सेम क्राइटेरिया कि जिस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा था ना, मैंने उसमें अपना 100 से नहीं 200% डाला अपना, जिससे कि मतलब हर सांस मैंने उसके नाम कर दी। कि लोग कहते थे कि यार अपना थोड़ा ध्यान रख, मतलब यार क्या है तू फोन में लगा हुआ है, मैं फोन में मैं वेस्ट नहीं कर रहा होता था टाइम भी, उस टाइम भी मैं कहता था कि आई एम डूइंग प्रोडक्टिव, मेरा टाइम वेस्ट भी प्रोडक्टिव है, मैं ये लाइन हमेशा सबसे कहता था, और आज भी मैं यही कहता हूँ। आज से 2 साल पहले काफ़ी लोग नहीं मानते थे कि यार मतलब कुछ नहीं है सब में, क्या रखा है मीम्स में, क्या रखा है ट्वीट्स में, क्या रखा है लिखने में, कुछ नहीं रखा है इन सब में, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा ठीक है करेंगे, लेकिन मेरा जुनून था कि करना है, करना है, मतलब करना है, और करते रहे करते रहे करते रहे, आज 2 साल बाद वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। इतना मैं कहूँगा, दे नेवर आस्क द सेम क्वेश्चन, बट आई जस्ट वॉन्ट कि हाँ ये जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो सिंगर्स हैं, मेरे ही हॉस्टल में कुछ हैं ऐसे बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोग, अगर वो पढ़ाई से अपार्ट अपने टैलेंट को भी फॉलो करने लग जाए ना, तो वो उस लेवल तक जाएंगे कि हर एमबीबीएस डॉक्टर शायद उनको सुनने के लिए आएगा।
शायद हर इंसान उसे सुनने के लिए आएगा या फिर हर इंसान उसे देखने के लिए जाएगा जिस टैलेंट को वो कर रहे हैं। वो टैलेंट छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ एक टैलेंट है अगर उसमें अपनी पूरी जान डाल दो। तो मैं यही कहूँगा जूनियर्स जो हैं, कि अगर फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर जो भी हैं, कि अगर आप एंटर हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, तो जो भी सीख कर आए हैं अपने जीवन में, उस पैशन को छोड़ना मत कभी। लिव इट टिल द लास्ट ब्रेथ, उसको जियो, पढ़ाई करो और साथ में एक टाइम फिक्स कर दो, तो शायद 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, उसको देना है, नेवर लीव इट, एंड यू वुड डेफिनेटली फाइंड कि हाँ उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। वी कैन सी जो आपका टाइम वेस्ट है वो लोगों का एंटरटेनमेंट है, और कहीं ना कहीं तो दिस इज ट्रू। क्योंकि स्मॉल वर्जन्स तो हमने बहुत देख लिए, तो क्या फ्यूचर में हम लोग लॉन्ग वर्जन्स या मेमोयर या कुछ क्रिएटिवली जो आप सोच रहे हो देखेंगे जॉब पर? एक्चुअली मैं जब ये राइटिंग एंड ऑल में आने लग गया, मैं एक्चुअली द मेन माई मोटो मोटिव वाज कि मैं हाँ यूट्यूब पे अच्छा काम करूँगा, वीडियोस में आऊँगा। इनफैक्ट मुझे एक स्टूडियो से कॉल भी आई थी कि लाइक बहुत फेमस यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन है काफ़ी, तो मुझे कॉल भी आई थी कि हाँ कैन यू वर्क विद अस, हमें आपके आइडियाज़ और आपकी क्रिएटिविटी को अपने वीडियो में डालना है। तो दैट पर्सन मिलियन फॉलोअर थे उसके, मिलियन सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने भी मुझे दिया। तो हाँ मैंने कहा कि आई विल थिंक अबाउट इट आफ्टर डूइंग माई यू नो स्टडीज एंड ऑल, ठीक है अच्छे से, तो मैं वो सब बाद में सोचूंगा ये सब आने का। एंड एक्चुअली मैं यूट्यूब पे ही वर्क करना चाहता था, लेकिन ये राइटिंग एंड ऑल ये यू नो यू नेवर नो, तुम जर्नी में चलते रहते हो और पता ही नहीं चलता कहीं कौन सा रास्ता नया निकल जाए। ऑलवेज टेक द रोड यू नो दैट इज लेस टेकन, डेफिनेटली कहावत है, मैं वही कहूँगा कि करते जाओ बढ़ते जाओ यू नो, और कुछ ना कुछ बेहतर आएगा, और क्या पता जो तुमने सोचा हो उससे और भी बेहतर हो जाए, बट रुकना मत, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, डेफिनेटली। और मतलब अच्छा है कि आपने ये लेस टेकन रोड ली, ताकि काफ़ी लोगों को एक नई मतलब एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, और आपके फॉलोअर्स भी इतना देखते हैं उसको। तो ये तो चलिए हो गया मतलब अबाउट द मेडिकल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इतनी फीमेल फॉलोइंग है, ऑब्वियसली वी सी भगवान की कृपा से स्मार्ट भी हैं आप बहुत ज़्यादा, ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है, कंप्लीट पैकेज है, तो फीमेल फॉलोइंग तो काफ़ी होगी। तो आप किसी को मतलब डेट कर रहे हैं क्या? आर यू डेटिंग एनीवन? सी डेट्स के नाम पे ना डेट्स खा रहा हूँ, इतना सिंगल हूँ। तो यही कहूँगा मैं कि बहुत ही सिंगल है, प्रो लेवल के सिंगल है। हाँ फीमेल फॉलोइंग फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन एक कहावत है ना कि जो आती है वो भाती नहीं और जो भाती है वो आती नहीं। ये कहावत ही कहूँगा कि जो मिली अच्छी वो इतनी दूर थी कि यू नो हम जा नहीं पाए, और यू नो जो फास्ट थी वो कुछ भा नहीं पाई। तो ऐसी हमारी जर्नी चलती रही और आगे भी चल रही है, लेकिन हाँ बस यही कहूँगा कि प्रेयर्स कीजिए कुछ अच्छा मिल जाए। सो एक बहुत बड़ा खुलासा, जितने लोग ध्रुव के फॉलोअर्स देख रहे हैं, देयर इज स्टिल सम स्पेस लेफ्ट, कैच ऑन। तो अब हम लोग एंडिंग की तरफ चल ही रहे हैं, तो कोई स्पेशल मेंशन अबाउट दिस जर्नी जो आपने मतलब काफ़ी कुछ देखा है और काफ़ी कुछ देखना बाकी है? इट्स जस्ट द बिगिनिंग, वी ऑल नो दैट यू हैव टू गो वेरी हाई, बट स्टिल जो इस जर्नी का स्पेशल पार्ट रहे हो, जिनको आप थैंक्स बोलना चाहते हो इस पॉडकास्ट पे? देखो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ माई बिगनिंग यू नो बिगनिंग से लेके अभी तक कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ हैं। वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इसमें आते हैं हमारा, यू नो आई वुड लाइक टू टेक द नेम ओपनली, आई डोंट नो, यू नो माई गुड फ्रेंड्स लाइक अंशुमन अग्रवाल, यू नो प्रखर दीक्षित, ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड शुभम रस्तोगी एंड क्षितिज मिश्रा, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी। यू नो जो ये मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स लाइक बहुत सपोर्ट मिला इन लोगों का, हर चीज़ में इन लोगों ने सपोर्ट दिया, इनफैक्ट कुछ आइडियाज़ में भी इन्होंने बहुत हेल्प करी। आज भी ये लोग मेरे साथ हैं, और इनफैक्ट जो वीडियो बन रही है तो शायद मेरे सामने ही है। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं रहूँगा, और भी लोग रहे हैं जिनका मैं शायद नाम भी ना ले पा रहा हूँ या ना लिया हो, लेकिन काफ़ियों का रोल रहा है। तो मैं एक बात कहूँगा, तो क्या ही है जर्नी। और इनफैक्ट हाँ अब ऑब्वियसली
फैमिली सपोर्ट तो होता ही है, उनको तो मैं इस चीज़ में इंक्लूड ही नहीं करना चाहता, क्योंकि फैमिली सपोर्ट को क्या ही अलग से मेंशन करूँ, वो तो एवरीथिंग है। वो तो सब कुछ है। इनफैक्ट प्रखर की आपने बात की, उसी की वजह से ये हो भी पाया, एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। बचपन से हम लोग साथ हैं, और मतलब जो लोग नहीं जानते उसको सुनो से बहुत कुछ। हाँ, मेरा स्कूल फ्रेंड है, और मतलब बहुत ही म्यूचुअल और बहुत ही दिल का अच्छा आदमी है वो। डेफिनेटली बहुत ही खुश हो रहा होगा वो सुन के। अरे वो मेरी तरफ से उसको समोसे मैं खिलाऊंगा, उसको बहुत पसंद है। हाँ, उसको शौक है खिलाने को, तो कुछ भी खिला दो उसे। ओके, सो ये तो बातें हो गई, पर अब जाते जाते, क्योंकि आजकल काउंसलिंग चल रही है जैसा कि आप जान रहे होंगे, हर जगह चल रही है, तो कुछ बच्चों को उनका पसंद का कॉलेज मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ को गवर्नमेंट मिलेगा, कुछ को प्राइवेट मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक रह जाता है बच्चों में कि हाँ कि अरे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, एक वो जो रह जाती है, और टैलेंट स्टिल बहुत होता है, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे जो है, जो उनको स्पिरिट अच्छी कर सके उनकी? या सी एक्चुअली बहुत से लोगों को ना मिसकंसेप्शन होती है कि यार कॉलेज बड़ा है तो मतलब वहाँ की पढ़ाई भी कुछ स्पेशली होगी, कुछ ऐसा होगा जो हमें किसी किसी और अननोन कॉलेज या मतलब यू नो कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हमें वहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो मतलब वो नाम का क्राइटेरिया भी एक देखते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि हाँ यार ठीक है, बस मेडिकल कॉलेज मिल जाए बस बहुत है, और कुछ लोग होते हैं कि उनको हाँ हमें तो यही चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग यहाँ से निकले हैं। तो मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि टैलेंट की कोई लोकेशन नहीं होती है, हर लोकेशन में एक टैलेंट होता है। वाओ, तो ये चीज़ जो है अगर लोग समझ जाएंगे तो यू नो मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ। बहुत से लोग जानते होंगे डॉक्टर देवीलाल शेट्टी, वो एक प्राइवेट से MBBS ग्रेजुएट है। बहुत से लोग जानते होंगे यू नो जगदीश चतुर्वेदी सर हमारे, ठीक है। तो ये दो जो एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, इतने रिस्पेक्टेड हमारे यू नो everybody knows these people and they are both from private medical college। तो क्या प्राइवेट, क्या कोई डेफिनेशन हो सकती है कि हाँ प्राइवेट से करने वाला ये बड़ा नहीं कर सकता कुछ, या फिर ये नहीं कर सकती, या फिर ये नहीं हो सकता कि यू नो कि छोटा गवर्नमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। लाइक यू नो आई नो मैनी एग्जाम्पल्स पर्सनली, बहुत ही टैलेंटेड यू नो इन्फ्लुएंसर्स एंड बहुत ही यू नो इंटेलिजेंट माइंड्स, यू विल सी दैम इन स्मॉल कॉलेजेस। एंड बड़े बड़े कॉलेज में भी ऐसा होता है कि यार पहुँच गए, मतलब वहाँ पे भी क्लासेस तो हर जगह एक जैसी लगती है, प्रोफेसर जो यहाँ हैं आज यहाँ हैं वो कल वहाँ होंगे और कल कहीं और होंगे, तो वो तो शिफ्ट होते रहेंगे। तो लोकेशन जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारा खुद का गेम है, क्योंकि MBBS में आने के बाद भी प्रोफेसर तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होते हैं, तुम खुद ही पढ़ रहे होते हो, ठीक है। 90% जो तुम्हारा टाइम जाता है वो सेल्फ स्टडी में निकलता है। तो ये जो है ना, ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी हर इंसान को जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है या ले चुका है जस्ट, कि यू नो ये सारा खुद का गेम है, खुद ही खेलोगे, खुद ही बढ़ोगे, कोई भी अपार्ट फ्रॉम यू योर सेल्फ यू नो तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। डेफिनेटली, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू। और मतलब इतना आपने टाइम स्पेयर के थैंक यू सो मच। तो जितने लोग देख रहे होंगे, आई होप आप लोग ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, जानी होंगी, और मतलब इनका जो ह्यूमर है वो तो अब देख ही रहे हैं। सो वी विश यू अ वेरी बेस्ट इन फ्यूचर एंड डू चेक आउट हिज ट्वीट। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इज अ बिग इन्फ्लुएंसर, बट ठीक है। ओके, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच। थैंक यू।